हेलो फ्रेंड एंड इट्स माय इंडियन लुक, इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन लुक। तो मुझे बताइएगा कैसा हुआ मेरा मेकअप। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ये नहीं कि लास्ट फर्स्ट में दिखा दी पूरी वीडियो वॉच ना करो, लास्ट में ही फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। लुक लुक उनकी वो जो होशियार बहू होती हैं वो लग रही है। मम्मी मम्मी बताओ जरा, मम्मी लग रही है ड्रेस पर इस कलर को नहीं लिया इस पर। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो पे नहीं आए, जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का जो है ना व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं अपना इंडियन ट्रांसलेशन लुक करने वाली हूँ और इट्स अ पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट है जो आ रही हैं, हमारे एरिया में रहती हैं। तो मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, अचानक से मेरे घर आई थी, मेरा घर ढूंढते हुए कल ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी मुझे मतलब मेकअप करवाना है, मेकअप करना है आपका। तो आई एम वेरी शॉक हो रही हूँ। तो आप सबका प्यार है यार कि आप सब लोग कितनी चाहत करते हो, और मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत खुशी होती है। और मैं अपनी हर खुशी हर गम में अपनी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। और आई जस्ट लव माई मॉम एंड आई मिस माई मॉम सो मच। तो यही मेरे साथ रहेगा, बस कुछ देर में वो आने वाली हैं। तो वो तो मतलब उनका फेस मैं नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि वो कैंप पर नहीं आएंगी। तो वैसे मतलब वॉइस ओवर होगी उनकी, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे उनसे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अभी होने लगा है मेकअप स्टार्ट, एस्टर वॉइस ओवर करो अपनी, कुछ बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ पोमी का मेकओवर करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सबको बड़ा पसंद आएगा। और पोमी को आज मैं दूंगी इंडियन लुक, और पोमी के जो फीचर्स हैं उन्हें थोड़ा और इन्हेंस करूंगी ब्यूटी से। और आई होप कि आपसे कुछ बड़ा पसंद आएगा, अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको। और आपको लिंक भी मिल जाएगा एस्टर का डिस्क्रिप्शन में, तो इनका भी अपना चैनल है, तो लाजमी आप सबने विजिट करना है और सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है इनको, ठीक है। लाजमी जाकर आप लोगों ने वॉच करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगती है मेरे फेस पे। फाउंडेशन लगाया हुआ है एस्टर ने, तो उन्होंने दो फाउंडेशन मिक्स करके लगाया, एक स्टिक और एक कौन सा लिक्विड फाउंडेशन लगाया आपने? फेसिट का। मैंने फेसिट का लगाया, बहुत अच्छा है, देखो कितना मिक्सिंग करके लगा रही है अच्छे से। अब ये बिल्कुल मैंने ये लिया है ब्रश है, सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर है, मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल से वेट किया है और बिल्कुल टैप टैप करते हुए मैं पूरे फेस पर इसे ब्लेंड करूँगी। और इतनी अच्छी बेस इससे सेट होती है, लॉन्ग टर्म कहती हूँ आपके लिए, जैसा ये वेदर है आप खुद यूज़ करें, आप खुद बोलेंगे कि यार क्या बेस लगी है मुँह पर। ये देखिए टैप टैप करते हुए मैं पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूँगी, और हर बेस सेट होने तक मोस्टली हमें 10 से 25 मिनट्स या 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो आपने बेस अच्छी बनानी है ताकि हमारा मेकअप सेट रहे। अगर मेकअप बेस सेट है, अगर आपको बेस बनानी आती ना, तो आपका 50% जो है मेकअप आपको आता है, ठीक है। और कंटोरिंग, और जब हम कंटोरिंग करते हैं और आई शेड्स आईब्रो बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो 50% मेकओवर है उसमें डन हो जाता है। एंड कंटोरिंग इज मस्ट, कंटोरिंग तो फीचर्स को हाईलाइट करती है ना हमारे, क्योंकि मैंने देखे कुछ लोग मेकअप तो कर लेते हैं बट कंटोर नहीं करते, सब फेस बिल्कुल गोल लगा जाता है। तो हमेशा अपने फेस को जो है ना हमने शेप देनी होती है अच्छी। हमने यहाँ से ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम ओवर हो जाता है ना तो हमारी कंटूरिंग ब्लैक लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा पीच सा कलर लिया, ठीक है। ये कभी ब्लैक नहीं लगेंगे, बहुत ऊपर देखो, सॉरी पोमी
दोनों हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स थी ना, सो दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर द नेम ऑफ सबाहत. मैं फॉरगेट कर देती हूँ. देखिए जैसे इनका थोड़ा फेस हेल्दी है ना, तो हमने जब हेल्दी फेस को कंट्रोल करना तो हमने बिल्कुल ये देखिए यहाँ से कंट्रोल करना है, यहाँ से बिल्कुल कान के पीछे से, ताकि फेस स्मार्ट नजर आए. ठीक है, स्मार्ट बना देना इस चीज़ से अपने फेस. ठीक है, और यही हम पूरे फेस और मैं एस्टर के साथ ही बैठती होती थी बेंच पर, याद है एस्टर? हाँ मुझे याद है. और आप लोगों ने अब मुझे सपोर्ट करना है. हाँ ज़रूर सपोर्ट करना है फ्रेंड्स आप सबने प्लीज़. फिर मैं इस बात को दावत दूंगी अपने घर पर. नहीं नहीं दावत ही दावत आज इनका मंदिर होगा. आपको पता है मेरे फार रोजे चल रहे हैं, तो एस्टर का रोज़ा है, तो आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने इस वजह से नहीं रखा. तो खुदा ने चाहा तो मंडे से मेरे भी कंटिन्यू हो जाएंगे, तो वरना मैं तो खाना वाना भाभी मुझे बोलती हूँ बिरयानी बनाती हूँ. नहीं थैंक यू सो मच. ये देखिए मैंने बालों में भी यही कलर सेम जो है ऐड कर दिया. ठीक है, डरना नहीं. ये देखिए अब हम डायरेक्टली नोज़ की कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट सबको पता ही है, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है. ठीक है, यहाँ से हमने ये करना है और हमने अब ये नथने हैं यहाँ से इसको ऊपर लेके जाने हैं और आईब्रो के साथ से कनेक्ट कर देना है. क्या ये नथने? हाँ ना, आपकी नथने हैं ना सांस लेने वाले, बिल्कुल लाइट सा, ताकि हमारी जो पिक्चर्स वगैरह हों तो उसमें ये पर्पल कलर हाईलाइट हो. ये देखिए बिल्कुल लाइट सा दे रही है. ये देखिए दिख रहे हैं लैशेस को, इनको एक बार सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ. तो आईज बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू. मैंने चाहा मैं कुछ नया लुक दूँ. ओके बताना फ्रेंड्स मुझे प्लीज. आपको बहुत लोगों ने तैयार किया है बट लुक चेंज करना मेरा काम था. ये तो कॉलेज में. अच्छा, वहाँ से मैंने इंटर किया, फिर इस्लामिया कॉलेज से देखा एक बार, फिर मैंने सारा टचअप दिया है यहाँ पर. फिर अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर. I just love highlighter. Me too. और देखिए हाईलाइटर बड़ा प्यारा है, ये पैलेट मुझे तो बड़ा पसंद है और मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. मुझे इतना पसंद है ना हाईलाइटर, मैं कभी भर भर के लगा, मैं थोप थोप के लगा लूँ बस वो है कि आई जस्ट लव. फोरहेड को भी इसी से हाईलाइट करेंगे और लिप्स को भी हम इसी से हाईलाइट कर लेना, तो हमारी लिप्स की शेप बड़ी अच्छी बनती है. कि देखिए बड़े अच्छे से लिप्स हाईलाइट हो जाते हैं. कौन सा रबल करना मैंने उधर लगा ली. रेड लिपस्टिक रेडी हो रही हूँ, चूड़ियाँ पहना रही है एस्टर मुझे. पकड़ो तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एस्टर का, लाजमी तुझे सपोर्ट करनी है. ठीक है, और जो लोग मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं लाजमी कमेंट करके बताना एस्टर को कि हम कोमी के रेफरेंस से आ रहे हैं आपके पास. और पोमी बिल्कुल लग रही है ना,